सुगाद आज है हमारे पास जीप कंपास। आज अपन करने वाला इसका केबिन फिल्टर चेंज, कहाँ पे रहता है, कितने का आता है, कैसे चेंज करते हैं, पूरा वीडियो में बनाएंगे, लास्ट तक बने रहो वीडियो में। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अभी लेफ्ट साइड में आने का, अभी ये देखिए बाकी के गाड़ियों को कैसे ग्लो बॉक्स खोला तो अपने आप दिखने लगता है केबिन फिल्टर, लेकिन इसको ऐसा नहीं है, ग्लो बॉक्स को खोलना पड़ता है पूरा। तो अभी ये देखिए ग्लो बॉक्स खोलने के लिए ना यहाँ से अपन ये देखें बाकी के गाड़ियों को कैसे इसको निकाले कि वो अंदर का दिखना चालू हो जाता है, मतलब केबिन फिल्टर डायरेक्ट दिखता है, लेकिन इसको ऐसा नहीं है। इसको क्या करने का, ये जो स्क्रू दिख रहे ना इधर 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 ये दो, और नीचे का जो रहता है इसको खोले नहीं तो कोई जरूरत नहीं, मतलब खोलने की जरूरत नहीं, ऐसे कुछ नहीं कि हाँ खोलना पड़ता है। तो ये तीन और ये बाजू में दो है और वो मैं आपको दिखाऊंगा आपको, तो पहले वो तीन खोलेंगे। तो अभी ये दो खोले हमने और एक ये खोल दिया, और ये तीन दो बाजू वाला जो है वो दिखाऊंगा मैं आपको। और इसका खोलने के लिए एक 20 का ट्रॉक्स रहता है बस, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, ये ट्रॉक्स से पूरा खोल देने का। तो अभी ये कवर जो खोलेंगे ना, ये कवर एकदम ईजिली निकलता है, कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूँ। माइनस लेने का, हल्का सा कटने का, वो अपने आप सिर्फ लॉक रहता है, मतलब प्रेस रहता है, बस प्रेस करा हुआ रहता है। तो अभी ये देखिए ये अपना निकल गया, अभी ये देखिए ये सिर्फ इसके उसमें जो है वो 4-5 लॉक है बस, ये लॉक प्रेस रहते हैं बस, बाकी कुछ नहीं रहता। अभी यहाँ पे दो स्क्रू है अपने को, किसको मालूम नहीं रहेगा लेकिन इसलिए करके वीडियो बना रहते हैं, मतलब ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ से वो दो स्क्रू नहीं तो उसको खींच खींच के वो तोड़ देगा। तो ये दो स्क्रू खोलेंगे ना तो उसके बाद अपना एकदम ईजिली दिखने लगेगा। तो अभी क्या करने का, ये केबिन फिल्टर इसका जो पूरी तरीके से हवा जाम आ रहा है तो उसको क्लीन करने का है। तो क्या करेंगे अभी अपन इसको, ये देखिए ये अभी इसको निकालेंगे, ये कपलर जो है ना ये कपलर निकालेंगे और उसके बाद बताएंगे। केबिन फिल्टर का प्राइस भी बता दूंगा आपको, प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो अभी इसको निकाल के बाजू में रख देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये देखिए अभी कमना नहीं है, ये अपने को ये निकल दिया ना, बस इसको ऐसे ही गिरा रहने थे, ये सब खोलने की जरूरत है नहीं, इसको उधर रहने थे क्योंकि अपने को उधर कुछ काम नहीं है। तो अभी केबिन फिल्टर अपना इसमें है, ये देखिए इसमें है। तो इसको क्या करने का है, अपने को ये जो नट है ना ये दिख रहा ना, ये स्क्रू खोलने का है। ये स्क्रू खोलेंगे ना, ये 5-5.5 का स्क्रू रहता है, वो खोल देंगे तो अपना निकल जाएगा। और इसके अंदर यहाँ पे फ्यूज बॉक्स रहता है, अगर आपको कभी फ्यूज बॉक्स की जरूरत रहेगी खोलने के, तो यहाँ पे उसका फ्यूज बॉक्स रहता है, वो देख सकते हैं आप। नहीं तो खोलने के लिए बहुत अच्छा, मतलब वो दिखता ही नहीं है, बस दिखता है थोड़ा सा कवर भी और निकाले तो दिखता है। तो अभी ये देखिए ये अपने को लगाएंगे अपन ये पाना, इसको डायरेक्ट एकदम छोटा सा पाना रहता है, 5.5 का रहता है। तो अभी इसको खोलेंगे और उसके बाद ये देखिए इसको खोलने के लिए एकदम आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। तो अभी इसको निकलते हैं, पहला ये निकला ना अपना, फिर टेंशन खत्म हो जाएगा। तो इसको निकलते हैं, ये देखिए अभी इसको क्या करने का, ये इधर की साइड से जो है ना, इधर की साइड से लॉक टूटा हुआ है, लेकिन वो लॉक टूटा हुआ नहीं रहता है। तो अभी इसको टूट गया है तो उसको देखेंगे अपन। ये साइड से, ये देखिए ये साइड से क्या रहता है, एक लंबा डांडा रहता है वो जो अंदर की साइड में पैक रहता है, और इधर का लॉक रहता है। तो अभी अपन ने निकाला है, अभी ये केबिन फिल्टर निकलते हैं अपन। ये देखिए केबिन फिल्टर ये पूरी तरीके से जाम हो चुका है। तो अभी इसको क्या करने का है, कस्टमर का कहना है सिर्फ क्लीन करके लगा दो, बाकी बाद में वो चेंज करेंगे। तो कंपनी का जो अगर लेने को गए ना, ये देखिए पूरी तरीके से चौक है, अभी इसको क्लीन करेंगे और उसके बाद दिखाता हूँ। सो अभी देख सकते हैं ये फिल्टर जो है ना वो कंपनी का, क्योंकि कंपनी के फिल्टर को ऐसा मतलब कलर रहता है, ये कलर का ही कंपनी का फिल्टर रहता है, बाकी का दूसरा अगर बाहर से किधर से लिया ना तो वो अलग कलर का रहेगा, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अभी क्या करते हैं, इसको हमने पूरा क्लीन कर दिया है, पहले कैसा ब्लैक था वो पूरी तरीके से ब्लैक था, अभी वो एकदम क्लीन हो गया है। तो अभी उसको लगा देते हैं, एकदम सिंपल है, जैसा निकले ना वैसा ही लगाने का, अभी उल्टा करके लगा नहीं सकते, नहीं तो वापस वो गंदा जो रहेंगे ना सब अंदर जाएगा। वैसे तो हमने पूरा अच्छी तरीके से क्लीन किया है, प्रेशर जितना ज़्यादा हो सके मार दे तो अच्छा रहेगा। तो अभी ये देखिए कवर लगाने के लिए एकदम सिंपल है, इसको अंदर साइड से दबाएंगे और उसके बाद यहां से प्रेस कर देंगे। तो नहीं हुआ ना तो उधर से पकड़ने का और उसके बाद प्रेस कर देने का, एक स्क्रू तो है अपने पास, वो लगा देंगे तो इजीली मतलब वो अपना टिक के रहेगा। तो अभी हमने वो स्क्रू लगा दिया है, तो ये देख सकते हैं आप। तो और इसकी प्राइस जब लेने को कहना, कंपनी का लेने का तो बहुत महंगा है, मतलब 4000 तक भी ये भी केबिन फिल्टर सिर्फ आता है, और बाकी ऐसा बाहर से लिया तो 500-600 रुपए में आ जाता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बाकी जैसे